कल की फिल्म में दिखाया गया गांडीव कोई आम धनुष नहीं है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था और उसके बाद में उन्होंने प्रजापति को दिया था, जिन्होंने अपने पास में उसे 503 साल तक रखा। फिर उसे इंद्रदेव को दिया, इंद्रदेव ने सोमा देव को और उसके बाद में वरुण देव को, और वरुण देव ने अग्निदेव के कहने पर उस गांडीव धनुष को अर्जुन को दिया था। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ में हम बढ़ते हैं अब वीडियो के आगे। अगर आप फिल्म को देखने के लिए जाओगे तो विजय देवाकोंडा यानी कि अर्जुन ने जो धनुष पकड़ रखा है वही धनुष एंड में कमल हसन पकड़ते हैं, ये गांडीव धनुष है। बट फन फैक्ट ये है, महाभारत के युद्ध में गांडीव धनुष से भी ज्यादा पावरफुल एक और धनुष था जिसका नाम था विजय धनुष, जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया था और कर्ण ने इससे महाभारत लड़ी थी। और अगर कर्ण के विजय धनुष की बात करें तो वो अश्वत्थामा से घूमते फिरते भैरवा के हाथ में आ चुका है, और जैसे ही वो भैरवा के पास में आया उसकी एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। तो डायरेक्टर का पॉइंट इतना ही है कि महाभारत के दोनों ही पावरफुल वेपन्स को कल की फिल्म में इस्तेमाल किया जाए। बट कईयों का सवाल यही होगा कि यास्किन एक बुराई है और बुराई के पास में गांडीव धनुष कैसे पहुंच सकता है। तो अभी डायरेक्टर इन वेपन्स को प्लांट करना चाहते हैं, इसका पे ऑफ आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखने को मिलेगा और गांडीव धनुष घूमते फिरते भगवान कल्कि के पास में पहुंच जाएगा। अब किस तरीके से पहुंचेगा इसका लॉजिक आपको हैरी पॉटर की एल्डर वैंड में देखने को मिलता है कि एल्डर वैंड अपने असली मालिक को पहचान लेती है जो कि हैरी पॉटर होता है, वो उसके पास में चली जाती है। सेम वैसा ही कुछ गांडीव धनुष के साथ में होने वाला है। अब गांडीव कैसे पहुंचेगा कल्कि भगवान के पास में उस पर हम थोड़ी ही देर बाद आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अश्वत्थामा की। तो पार्ट 1 अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, जहां तक कि क्रिएटिव वे में मैं समझ सकता हूँ पार्ट 2 की शुरुआत किसी और चिरंजीवी से की जाएगी और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अश्वत्थामा के महाभारत के ग्लिम्स की तो वो आपको आधे अधूरे दिखाए गए। अश्वत्थामा जितने अच्छे दिखाए गए एक्चुअली में वो उतने अच्छे नहीं थे। हुआ कुछ ऐसा था कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे और ये बात अश्वत्थामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने रात का सहारा लेकर पांडवों के टेंट में गए और 5 पांडवों के बच्चों को नींद में ही मार डाला था। और इसी बात को कन्फ्रंट करने के लिए जब कृष्ण जी अश्वत्थामा के पास में जाते हैं तब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है पांडवों के ऊपर, बट ऋषि जी बीच में आ जाते हैं और अश्वत्थामा को कहते हैं कि अपना ब्रह्मास्त्र को वापस लो। तब अश्वत्थामा कहता है कि मुझे चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता है। ब्रह्मास्त्र के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है और वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर छोड़ा जाता है और इसके क्रोध में आकर फिर कृष्ण जी उससे उसकी मणि छीनते और उसे श्राप देते हैं अमर होने का। और उसी के बाद में कृष्ण जी ही उत्तरा के उस अनबॉर्न चाइल्ड को फिर से जीवन दान देते हैं और वो चाइल्ड बनता है परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र रहता है। और कलयुग की जब शुरुआत होती है और कलि जब सबसे पहले किसी से मिलता है तो वो होता है राजा परीक्षित। वह कुछ ऐसा रहता है कि कलि राजा परीक्षित से 5 रहने की जगह मांगता है, उसमें से 1 गोल्ड होता है और वही सोना परीक्षित जी ने अपने मुकुट पे पहन रखा था। तो कलि जो सबसे पहला अटैक करता है वो परीक्षित जी के ऊपर करता है और फिर कलयुग की शुरुआत होती है। इसीलिए कलि को बॉडी की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी पनप सकता है। और ये पॉइंट को मैं थोड़ी देर में प्रूफ करता हूँ, उससे पहले यास्किन की आइडियोलॉजी के ऊपर चलो। तो यास्किन को फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है कि मनुष्यों ने प्रकृति को खत्म कर दिया, इस पृथ्वी को वो नष्ट कर रहे हैं और ये चीज यास्किन को पसंद नहीं आती है। इसीलिए यास्किन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिस कॉम्प्लेक्स में सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। और बेसिकली अगर आप कल की ट्रिलॉजी को पढ़ने जाओगे जो एक फ्रिक्शनल वे में है तो उसमें दिखाया है कि कली अगर किसी से युद्ध करता है तो वो उन्हें मैनिपुलेट भी करता है और मैनिपुलेट उस तरीके से करता है कि उन्हें एक ऑफर दिया जाता है। तो जहां तक कि मुझे फिल्म का लगता है इसमें भी यास्किन ने लोगों को ऑफर दिया होगा, जो ज्यादा पावरफुल थे, जिनके पास पैसा था, जो पॉलिटिक्स चलाते थे, जो कंट्री चलाते, उन सबको ऑफर दिया कि आप सब आकर कॉम्प्लेक्स में रहो क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और कॉम्प्लेक्स में को सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा। और इससे यास्किन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है और यहीं से प्रॉब्लम आती है यास्किन के अंदर एक सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी। अपने आप को वो सुप्रीम समझता है यानी कि वो अपने आप को भगवान समझता है और ये चीज वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करके प्रूफ भी करता है कि ब्रह्मा ने यूनिवर्स बनाया तो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया और अब मैं ब्रह्मा के समान हूँ। और अपने आप को वो भगवान समझता है, इसका प्रूफ आपको 2 जगह देखने को मिलता है। सबसे पहले जब वो गांडीव को उठाता है तब वो अपने आप को भगवान समझता है और गांडीव को उठाने के बाद में वो एक लाइन कहता है, जगन्नाथ के रथ का चक्र अब
घूमेगा। अगर इस लाइन को देखा जाए तो इसे लिखा है श्री रंगम श्रीनिवासा राव जी ने, और इसे अगर मैं प्रॉपर आपको सुनाऊं तो वो कुछ इस तरह की है कि डोंट क्राई, द विल ऑफ द चैरियट ऑफ जगन्नाथ आर कमिंग, दे आर कमिंग, द अपोक्लिप्टिक चैंट ऑफ द चैरियट विल कम, रियलाइज योर ड्रीम, रूल योर न्यू वर्ल्ड। अगर हिंदी में से साफ शब्दों में कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि जगन्नाथ के रथ का चक्र घूमेगा और नए युग की शुरुआत होगी। और ये लाइन अगर कमल हसन कह रहे हैं तो कमल हसन की आइडियोलॉजी यही है कि वो खुद भगवान है और नए युग की रचना वो करेंगे, ना कि कल की। वो अपने आप को भगवान समझते हैं। बंचू यास्टिन है, वो पार्ट टू में मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे ये मैं बताऊं तो पार्ट वन के एंड में क्या हुआ कि वो खुद अब कल्कि को मारने के लिए पृथ्वी के ऊपर उतरने वाले, और अगर वो उतरेंगे तो उनसे लड़ेगा कौन? भैरवा और अश्वत्थामा। और कहीं ना कहीं भैरवा और अश्वत्थामा यास्किन को मार देते होंगे, और उसके बाद में जो गांडीव धनुष है वो उससे वापस ले लिया जाता होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कमल हसन पार्ट टू में मर जाएंगे। कमल हसन के रूम को अगर आपने देखा होगा तो आउट साइड में और भी कई सारी बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा था, और उन बॉडीज को प्रिजर्व करने के पीछे का रीजन यही है कि जब भी कली को मौका मिलेगा वो बॉडी स्विच कर सकता है, और अगर पार्ट टू में इसे मार दिया जाए तो वो एक नई बॉडी में आकर अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाकर एक बहुत बड़ी सेना के साथ में युद्ध का आगाम कर सकता है, जो कि पार्ट थ्री के लॉजिक से बहुत ही कमाल का नजर आता है। और रही बात चिरंजीवी इसकी, तो देखिए किन किन के आने की पॉसिबिलिटीज है, तो अश्वत्थामा और परशुराम जी तो कंफर्म है। उसके बाद में आते हैं हनुमान जी, तो इस म्यूजियम के अंदर गदा भी देखने को मिलता है, और ये गदा हनुमान जी का नहीं है, हनुमान जी का गदा उन्हीं के पास में है। बट हनुमान जी को एक ड्यूटी राम जी ने दी थी सारे युगों में संदेश पहुंचाने का काम, और वो ड्यूटी को हनुमान जी आज तक कर रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी का कल्कि में आना कन्फर्म है, क्योंकि वो विष्णु के अवतार को दोबारा देखना चाहेंगे, भले युद्ध लड़े या ना लड़े वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद में एक और आते हैं रामायण से ही, बाली। बाली को राम भगवान ने छुपकर मारा था, और जब द्वापर युग की शुरुआत हुई और जब कृष्ण जी को मारने की बारी आई तो किसी ने उन पर बाण चलाया था। वो बाण चलाने वाला और कोई नहीं था, बाली का ही पुनर्जन्म, और कृष्ण जी ने उससे कहा था कि ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ही तुमने मुझ पर बाण चलाया है। तभी वो बाली पूछते हैं कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे, तो कृष्ण जी उसे हाँ कहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कल की फिल्म में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रही बात कल की फिल्म की, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत सी थ्योरी आना बाकी है, और आपकी थ्योरी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलते हैं अगले किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ में।